हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली वेक्टर को डिस्कस कर रहा हूं और ये हमारा वेक्टर का 22 लेक्चर है। ओके, बहुत लेक्चर बना है एक्चुअली वेक्टर के, ये दो तीन लेक्चर और बनेंगे, वेक्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि आप जो है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे वेक्टर से। ओके, तो गाइस देखो, हमने जो 21 वीडियो लेक्चर था वेक्टर का, उसमें बेसिकली एससी वर्मा का जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे थे। ओके, और हमने 1 से लेकर के आई थिंक 1 to 4, ओके 1 to 4 ये जो प्रॉब्लम है इसको डिस्कस किए थे। ओके, अब देखो, अब हमारा आगे का जो मकसद है वो है आपका 5, 6, 7, 8, मतलब आपको अप टू 12 तक सॉल्व करेंगे। वो मे भी हो सकता है कि दो वीडियो और लगे इसके अलावा। ओके, तो ओके चलो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रेफर द फिगर 2E1। एक्चुअली वर्मा जी में जो फिगर का नॉमिनेशन है ना, जबरदस्त तरीके से किया गया है। 2 मतलब चैप्टर 2, ई मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का फिगर, एंड 1 मतलब पहला 2E1। ओके, बाकी सबका देखो फिगर कैसे दिया है, नाम नंबरिंग, जैसे एक है फिगर 2W6 मतलब फिगर नंबर 2 चैप्टर 2 वर्कआउट एग्जाम्पल फिगर नंबर 6। टेक्स्ट का फिगर का कैसे नाम कैसे दिया है, फिगर 2.18। ओके, तो इस तरीके से आप देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से वर्मा जी ने मतलब फिगर दिया हुआ है, फिगर का जो नंबरिंग है ना, नोमेनक्लेचर जबरदस्त तरीके से दिए हुए हैं। चलो, तो हम लोग अब क्या करते थे, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। तो रेफर टू द फिगर 2E1, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड ए मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, बी एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एंड सी द एंगल विथ एक्स एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर OA, BC एंड DE। ओके, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमने 1 टू 4 लेक्चर नंबर 21 में डिस्कस किया था। ओके, और देखो आई थिंक 19 से 18 to 20 कर लेते हैं। ओके, ये जो थे इसको हमने डिस्कस किया था 18 टू 20 को लेक्चर नंबर 19 एंड 20 में। ओके, तो हमें अभी कहां से कहां तक करना है, अरे सॉरी यार, 13 to 19। ओके, हमें कहां से करना है, हमें 5 to 12 को सॉल्व करना है, इसमें भी दो लेक्चर और लगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव जो है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है बेसिकली, कि रेफर टू द फिगर मैग्नीट्यूड, फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर OA, BC एंड DE। तो मैं एक बार फोटो बना लेता हूं, वर्मा जी ने फोटो दिया हुआ है, फोटो बना देता हूं। तो देखो, वर्मा जी ने भी सेम रूल फॉलो किए हैं। रूल क्या है कि वेक्टर को समझना है तो एक बार कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। वर्मा जी ने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया है, हम भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ओके, चलो गाइस, कोविड का टाइम है। ओके, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी कोविड वगैरह चल रहा है, और कोविड से बचना है तो आपको काढ़ा वगैरह पीना पड़ेगा। ओके, सो एक्स वाई ओ ए, दिस इज द ओरिजिन। ओके, ये ओ ए है, एक्स। आई होप आप कंफर्टेबल होंगे इस फोटो से। ओके, दिस इज द ए, और ये इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ जो है वो 2 मीटर है। ओके, और दिस एंगल इज 30 डिग्री। बी सी या बी सी,
दिस एंगल इज 60 डिग्री, और क्या है भाई, और दिस इज द डी, और यह जो लेंथ है दिस इज द 1.5, और डी ई कुछ इस तरीके से, ओके। तो हमें क्या करना है, हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। किसका रिजल्टेंट? रिजल्ट मैं लिखता हूं पहले, हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है ओ ए बी सी एंड डी का। मतलब रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके, रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है, बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट आई वी हैव टू फाउंड वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर डी। ओके गाइस, देखो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करने के लिए ना, आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आना चाहिए। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 4 को जबरदस्त तरीके से सॉल्व की थी, ज्योमेट्रिकल ड्रॉ करके देखे थे हम, देखे थे कि आई के साथ आई को क्यों ऐड करते हैं। ओके, ऐसा कहा जाता है ना भाई कि जब वेक्टर कंपोनेंट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दिया हो और उसको ऐड करना दो वेक्टर को, तो आप क्या कीजिए, आई के साथ आई को, जे के साथ जे को ऐड कर दे। लेकिन क्यों? तो हमने उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था। ओके, तो देखो इसके दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला तरीका क्या है कि भाई आप जो है ना इसको ज्योमेट्रिक मदद से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ज्योमेट्रिक मदद से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका वेक्टर तुरंत सॉल्व हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या कर सकते हैं कि अदरवाइज आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है कंपोनेंट निकाल कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से करेंगे, हम ज्योमेट्रिक मदद से सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्रिक मदद सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, कंपोनेंट की वजह से तो आप देखेंगे कितना ईजी है कंपोनेंट से सॉल्व करना। ओके, समझ रहे हो, ज्योमेट्री से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए जरूरी है। ओके, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके चलो, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले ज्योमेट्री की मदद से ज्योमेट्री जो है मैं ड्रॉ करने वाला हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके चलो, और इसके लिए क्या चाहिए भाई, क्लास 9 क्लास 10 की ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना है ज्योमेट्री की मदद से। ओके गाइस, तो देखो हमें क्या करना है, हमें वेक्टर ओ ए वेक्टर बी सी एंड वेक्टर डी ई को फाइंड करना है। हम क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले इस वेक्टर मतलब ये जो है OA में, तो OA के हेड पे BC का टेल रख दे, OA के हेड पे BC का टेल रख दे। तो हमें काम करते हैं यहां पर थोड़ा सा एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। ओके, ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट से हम BC को ड्रॉ कर लेते हैं। हम इस पॉइंट से क्या कर लेते हैं, बीसी को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यह एंगल क्या है, दिस एंगल इज बेसिकली 30 डिग्री, 60 डिग्री, आई होप आप एग्री करोगे। ओके, दिस एंगल इज 60 डिग्री, और यह जो लेंथ है, यह लेंथ है भाई कितना, चलो एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा आइडिया है, तो यह 1.5 हो जाएगा। ओके, ये जो है इस एक्सिस को भी भूल ही जाओ, इसको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। ओके, मैं मतलब कहीं कंफ्यूज करेगा। एक चीज देखो, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द आवर ओरिजिन। अब क्या है, अब ये दूसरा वेक्टर हो गया। ओके, अब इस वेक्टर, अब मुझे इस वेक्टर के हेड पे इसका टेल रख दे, इस वेक्टर के हेड पे इसका टेल रख दे। अगेन हम यहां से एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके,
कुछ यही सीन बनेगा भाई यार कि नहीं? यह एंगल क्या हो, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके तो यह क्या हो गया बेसिकली, देखो यह फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, दिस इज थर्ड वेक्टर। अब हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट भाई हमारा ये वाला वेक्टर होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, आवर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी बेसिकली दिस वन। ओके यही होगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसका वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ। हम किसकी मदद से ये लेंथ कैलकुलेट करेंगे भाई, हम जा रहे हैं अब ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं इस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। ओके अच्छा एक चीज देखो गाइस, एक चीज देखो, ये वाला लेंथ क्या हुआ, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी द 90 डिग्री। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस बात को लेकर के। ओके यह लेंथ क्या हुआ, यह लेंथ क्या हुआ, यह टोटल एंगल जो है, ओके यह टोटल एंगल जो है वह क्या है, ये जो टोटल एंगल है, दिस टोटल एंगल इज 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके तो ये वाला एंगल क्या होगा, ओके ये एंगल जो होगा दिस इज अगेन 90 डिग्री, तो यह एंगल क्या होगा भाई, 30 डिग्री होगा। ओके यह एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ओके अब हमें क्या करना है, नाउ अब हमें ये वाला लेंथ फाइंड करना है रिजल्टेंट। एक काम कर सकते हैं यार, एक काम कर सकते हैं थोड़ा सा, क्यों ना हम इन दो वेक्टर इसको और इसको ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें। ओके हम क्यों ना इसको और इसको ऐड करके, हम इन दोनों को ऐड करके, एक्चुअली मैं कंपोनेंट वगैरह निकालना चाहता हूं, हम इन दो वेक्टर को ऐड कर दें, इसको और इसको ऐड कर दें, हमें क्या मिलेगा अब। ओके गाइज हमें क्या मिलेगा, देखो इन दो वेक्टर को ऐड कर दें तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। रुक जाओ इसको जा हटाते हैं, इन दोनों वेक्टर का एडिशन क्या होगा भाई, इन दोनों वेक्टर का जो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज बेसिकली यह 90 डिग्री होगा इन दोनों को मिला करके। ओके और ये ध्यान से देखो, यह दो है या तीन है, यह दो है या क्या है, 1.5 है। ओके मैं इन दोनों का ऐड करता हूं गाइस, आप ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। ओके मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, आई कैन राइट इट एज फॉलोज, टू और नहीं यहां पर सही तो है, ये दोनों की वैल्यू चेंज कहां होगी। ओके अब ध्यान से देखो गाइस, ये क्या हो जाएगा, यहां पर मैं 4 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, अरे 4 कॉमन ले लेता हूं, हमारे पास यहां पर क्या आएगा भाई, 16 प्लस 9, डेट विल बी 5/2। ओके तो ये वाला जो लेंथ है, यहां से ये वाला जो लेंथ होगा, दिस लेंथ विल बी बेसिकली 5/2। आई होप आप एग्री करोगे। ओके यह जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इज बेसिकली 5/2। ओके अब देखो, अब हमें क्या करना है, और ये वाला एंगल देखो, इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए, ये यहां से ये वाला लेंथ होगा 5/2। ओके और व्हाट विल बी दिस एंगल, ये एंगल क्या होगा, यह एंगल देखा जाए तो देखो
हम क्या निकालते हैं, हम tan, ये वाला एंगल निकालते हैं, मान लो दिस एंगल इज थीटा, व्हाट कैन आई राइट हियर, tan थीटा, मैं tan थीटा क्या लिख सकता हूं, tan थीटा विल बी बेसिकली टू, ओके यह बेस या हाइट टू डिवाइड बाई 1.5, दैट इज 3/4/3, ओके tan थीटा इज क्या होगा 4/3, तो यह जो होगा बेसिकली 53 डिग्री होगा अप्रोक्सीमेटली, हमने क्वेश्चन जो है सॉल्व किया था, मैं निकाल लेता हूं tan इनवर्स, यही आता है tan इनवर्स, tan इनवर्स 4/3, तो यह क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री, ओके यह जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री आएगा, ओके अब देखो गाइस, ओके चलो या ये वाला जो लेंथ है बेसिकली यही आएगा, ओके अब देखो यहां से ये वाला जो है दिस एंगल इज बेसिकली, अच्छा एक काम करो, ये वाला एंगल क्या होगा भाई, ये वाला एंगल अब ध्यान से देखोगे तो दिस इज बेसिकली या 53 डिग्री है, दिस इज आई थिंक 37 आएगा, ओके 53, 37, तो ये एंगल क्या आएगा 37 डिग्री आएगा, मतलब यहां से जो टोटल एंगल होगा ये वाली जो एंगल होगी वह क्या होगा, यहां से जो टोटल एंगल होगा दिस एंगल इज बेसिकली 67 डिग्री, ओके समझ लो, जो रिजल्टेंट का जो एक्स एक्सिस के साथ, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वह 67 डिग्री होगा। देखो हमने जो पहली बार जो फोटो बनाई थी तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन था एंगल को लेकर, तो हम दो को लेकर कर रहे हैं, दिस एंगल विल बी 67 डिग्री, ओके चलो अब हम क्या करते हैं, इसका जो रिजल्टेंट है और इसका, इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं, बात समझ रहे हो, जैसे देखो फोटो का मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से फोटो बनाए, ओके ये टोटल एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है 67 डिग्री और यह लेंथ क्या है 5/2, ओके यह लेंथ क्या है 5/2, अब इसके हेड पे ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के हेड पे इसका टेल रखें तो कुछ यहां पर आएगा, यह एंगल 90 डिग्री, ओके यह एंगल क्या है 90 डिग्री, तो अब जो हमारा रिजल्टेंट आएगा गाइस वो बेसिकली ये वाला एंगल होगा, हमारा ये वाला एंगल जो ये वाला जो वेक्टर आ रहा है ये वाला, दिस विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर, ओके चलो ये देखो ये वाला एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज 67 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या होगा भाई 23 डिग्री, यह एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज बेसिकली 23 डिग्री, ओके यही है ना भाई, ये एंगल क्या होगा 23 डिग्री, और हमें क्या पता है, हमें ये वाला लेंथ पता है, दिस लेंथ इज बेसिकली 1 मीटर, ओके तो हम क्या करते हैं भाई, हम इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, समझ रहे, इस पॉइंट से हम क्या करते हैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ओके आप देखो यहां पर ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल, इसको एक काम करता हूं थोड़ा बड़ा फोटो बनाता हूं, ओके मैं इसको क्या करता हूं बड़ा फोटो बनाता हूं और इसको क्लीन कर लेता हूं बोर्ड को, देखो
इस क्वेश्चन को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से करना बहुत सिंपल हो जाएगा, ओके कंपोनेंट निकाल करके। लेकिन ठीक है, हम थोड़ा सा अपना मोराल बूस्ट करने के लिए ज्योमेट्री की मदद ले रहे हैं। देखो हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा था उसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल था भाई, 67 डिग्री और लेंथ था 5/2। ओके अब ये डीई को ऐड करना है, तो हम यहां से क्या कर दिए भैया, हम यहां से एक 1 मीटर का ऐसे लेंथ ले लिए यहां तक आएगा। ओके समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का केस होगा। अब क्या करना, हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है इन दोनों का, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें ऐसे। यह हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, देखो यह एंगल 67 डिग्री है, ये वाला ये पूरा एंगल से, तो ये वाला एंगल क्या होगा 67 डिग्री, आई होप आप एग्री करोगे। तो ये वाली एंगल क्या होगा, व्हाट विल बी दिस एंगल, दिस विल बी 23 डिग्री। ओके अब हमें क्या करना है, हमें भाई एक काम करते हैं, अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लूं इस ट्रायंगल में, ओके तो यह एंगल 90 डिग्री है, यह एंगल क्या है 90 डिग्री है। अच्छा तो एक चीज, ये वाला लेंथ क्या होगा, व्हाट विल बी दिस लेंथ, यह लेंथ क्या होगा 1 sin 23 degree होगा ये वाला लेंथ, ओके और ये वाला लेंथ क्या होगा यहां से 1 cos 23 degree। ओके हमें क्या, ये पूरा लेंथ है, हमें ये पूरा लेंथ पता चल जाएगा, दिस विल बी 5/2 - 1 cos 23, पूरा लेंथ पता चल जाएगा, वी कैन कैलकुलेट दिस होल लेंथ। ओके चलो मैं इसको कैलकुलेटर, देखो हमारे पास अच्छी बात क्या है ना कि हम 2012 में नहीं पढ़ रहे हैं, ओके हम पढ़ रहे हैं 2020 में, हमारे पास कैलकुलेटर है, सबके मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, ओके वी कैन यूज कैलकुलेटर टू कैलकुलेट दिस वन। तो व्हाट कैन आई डू, 1 cos 23, ओके ये 0.2 ईयर, तो 5/2 - 1 cos 23। तो भाई देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो आपका लेंथ आएगा ना, यहां से ये जो लेंथ आ रहा है, दिस लेंथ विल बी बेसिकली 1.6 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, यह लेंथ क्या होगा 1.6 और ये लेंथ, ये वाला लेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके तो ये वाला जो लेंथ होगा आपका 0.4 होगा, यह लेंथ 1.6, दिस लेंथ इज 0.4। तो हम ये पूरा लेंथ कैलकुलेट कर ले, ये वाला लेंथ क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, देखो तो गाइस ये वाला जो आपका लेंथ आएगा, दिस लेंथ यहां से ये वाला जो लेंथ आएगा, ये आएगा 1.65 मीटर, यह लेंथ क्या आएगा आपका 1.65 मीटर। ओके तो एक बार चेक करते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है, वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। चलो वर्मा जी ने इसका आंसर दिया है 1.6। एक्चुअली ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि मैंने जो है ना अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है यहां पे। ओके हमने क्या लिया है अप्रोक्सीमेशन, आपको शुरू से अप्रोक्सीमेशन है, यहां पर ये 53 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये 53 से ये वाला एंगल 37 डिग्री नहीं होता है। ओके ये वाला एंगल जो है 37 डिग्री नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा ये जो है मतलब हमारा डिफरेंट है, समझ रहे हो वर्मा जी का क्या है 1.6।
हमारा क्या रहा है 1.65। तो ये जो डिफरेंसेस है ड्यू टू दिस ओके, यह भी हो सकता है कि वर्मा जी ने आई देखो ये क्या है, ये 60 डिग्री है, यहां पर 30 डिग्री है, यहां पर जब कंपोनेंट निकालोगे तो मे बी रूट की वैल्यू वर्मा जी ने अलग अलग ली हो, समझ रहे हो, तो मे बी दैट मे बी द रीजन ओके। और देखो ये जो टोटल एंगल है, अब एक काम करता हूं मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लेता हूं, व्हाट विल बी दिस एंगल, या क्या हो या थीटा क्या होगा ओके। चलो तो हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेटर की मदद से ये वाली एंगल फाइंड कर लेते हैं। देखो तो हमारा एंगल क्या होगा, टैन इनवर्स 0.4 डिवाइडेड बाई 1.6। तो भाई देखो ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज बेसिकली 14 डिग्री ओके, यह एंगल क्या होगा 14 डिग्री। तो ये वाला एंगल हम फाइंड कर लो, व्हाट विल बी दिस एंगल, 67 माइनस 14। तो ये वाला जो एंगल होगा यह अप्रोक्सीमेटली आ रहा है आपका 53 डिग्री आ रहा है। वर्मा जी का देखते हैं क्या है, ओके वर्मा जी लिखे टैन इनवर्स 1.32, टैन इनवर्स 1.32 तो समझ रहे हो, tan इनवर्स 1 वर्मा जी क्या लिखे हैं भाई, वर्मा जी लिखे हैं जो एंगल निकाले हैं tan इनवर्स 1.32, तो इसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली क्या आती है 53 डिग्री, समझ रहे हो गाइस, इसकी वैल्यू भी क्या थी अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री। तो देखो मेरा जो सीधा सा पॉइंट है गाइस कि इस क्वेश्चन को वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री ऑल्सो। फर्स्ट थिंग आप इसको ज्योमेट्री के मेथड से ट्राई कीजिए, ये जरूरी है आपके जो मोराल है ना, जो आपका कॉन्सेप्ट है कि भाई वेक्टर को ऐड कैसे करना है, इनिशियल मतलब पहला चीज फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखे हैं ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट इनिशियल हेड टू फाइनल टेल इस कॉम्प्लिकेटेड से फिगर में हमने कैलकुलेट किया, बात समझ रहे हो। और हमने क्या किया कि ये जो टोटल एक्स एक्सिस के साथ एंगल है इसको कैलकुलेट किया, फिर हमने क्या किया कि जो रिजल्टेंट आ रहा है रिजल्टेंट के हेड पे इसका टेल रखा, समझ रहे हो, फिर हमारा कुछ इस टाइप का फोटो बना, फिर हमने इन ये लेंथ फाइंड किया। तो ये जबरदस्त प्रैक्टिस होगा इसको इस तरीके से करने से, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा। और आप आंसर चेक करो, हमारे पास कैलकुलेटर है गाइस, बात समझ रहे हो, हमारे पास स्मार्टफोन है, हम अपने टाइम में नहीं कर सकते थे, 2012 में अगर इसको मैं सॉल्व करता मेरे पास नहीं होता, मेरे पास चीजें ही नहीं होती कि मैं इसको अपने तरीके से सॉल्व करूं ओके। आपके पास है, आप 2 मिनट के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो चीजों को ओके, स्मार्टफोन पावर पे स्मार्टफोन। तो आप इसको इस तरीके से कीजिए, ये आपका कॉन्फिडेंस बुस्टअप करने वाला है ओके। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड, इनिशियल हेड टू फाइनल टेल वाला जो मेथड है ओके, कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखें, दूसरे फिर इनिशियल हेड टू फाइनल टेल करें, फिर हम वो प्रोसेस को दोहराएं। तो यह जबरदस्त तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चीजों को समझने के लिए ओके, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। अब इस तरीके से करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप क्वेश्चन को ढूंढोगे, क्वेश्चन तो दो मुझे वेक्टर के ओके। चलो अब मैं क्या करता हूं, अब इसको कंपोनेंट के मेथड से करते हैं ओके, जो नॉर्मल मेथड है हमारा कंपोनेंट को सॉल्व करने का तरीका उससे करते हैं।
चलो मैं एक बार बोर्ड को क्लीन करता हूं और हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, देखो हमने एक्चुअली गाइस देखो पता क्या था, हमने क्या किया था, जब पहली बार हम इसको अटेम्प्ट कर रहे थे तो मैंने यहां पर यह भी चीज कर दिया था, इसको रख दिया था, समझो मतलब इसके पे इसको भी रख दिया था। तो उससे दिक्कत क्या हो रहा था कि ज्योमेट्रिकल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन जा रही थी, ज्योमेट्री क्या हो रही थी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही थी। ओके, क्योंकि हमें कुछ एंगल वगैरह का भी पता नहीं है भाई, कितने से क्या एंगल बनने वाला है, समझ रहे हो। तो इसलिए ना, इसलिए हमने क्या किया कि एक-एक करके मतलब दो-दो वेक्टर को पकड़ा, रिजल्टेंट, फिर उसके बाद उसका। ओके, ये तो पहले वाला तरीका गड़बड़ नहीं था। हाँ, ज्योमेट्री थी थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। ओके चलो, अब मैं क्वेश्चन नंबर, ये जो 5 है, 5 को हम डिस्कस करते हैं, 5 को डिस्कस करते हैं। देखो अब हमने इसका ये लेंथ निकाली कि ये लेंथ जो आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली 1.65 आ रहा है। ओके, और यह जो एंगल है, दिस एंगल, ये जो एंगल है, दिस इज बेसिकली 53 डिग्री आ रही है। ओके, और तो हमने इसका देखो जो पहला इसका पार्ट था, ए का आंसर 1.65, बी एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। ओके, तो बी हमने नहीं निकाला। फिर हमने सी निकाला, सी सी का एंगल क्या आ रहा था भाई, बनवा के लिखा था टैन इनवर्स 1.32, तो इसकी जो वैल्यू आ रही थी 53 डिग्री आ रही थी। और भाई हमने भी निकाला था, हमने ये वाला एंगल, ये जो एंगल है यह एंगल 14 डिग्री आ रहा है, दिस एंगल इज 14 डिग्री। ये एंगल क्या है, ये टोटल एंगल है 67 डिग्री। तो 67 और 14 क्या हुआ भाई, 3 और ये 5। ओके, तो हमारी ये एंगल क्या रहती है, 53 डिग्री आ रही थी अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो हमारे ये वाला पार्ट भी सही था, ये वाला पार्ट भी सही है, एंगल सही है, ये सही है, तो कंपोनेंट हम वैसे भी हमारा सही आ जाएगा। ओके, कंपोनेंट तो ऑटोमेटिकली सही होगा, आई होप आप कंपोनेंट से फैमिलियर होंगे, कंफर्टेबल होंगे, जब मैं बोलूं कंपोनेंट ऑटोमेटिकली सही होगा तो। ओके गाइस, तो अब मैं क्या करता हूं, इस बोर्ड को क्लीन करता हूं और अब हम जा रहे हैं कंपोनेंट की मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, कंपोनेंट निकाल निकाल करके। ओके, तो मैं एक बार इस बोर्ड को क्लीन करता हूं, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एससी वर्मा का हर एक क्वेश्चन जो है ना जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको इसमें लर्निंग बहुत ज्यादा होगी, समझ रहे हो। चलो तो एक बार फिर से मैं फोटो बना देता हूं, यह हमारा हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, यहां पर हमारा एक वेक्टर हो गया ओ ए, ओ ए। ओके, एंड दिस एंगल 60 डिग्री और यह लेंथ 2 यूनिट है। उसके बाद सॉरी 30 डिग्री, उसके बाद यहां पर दूसरा वेक्टर हो गया हमारा बी सी। ओके, इसका जो ये लेंथ है दिस इज 1.5 मीटर और दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, अब ये वाला यह डी है, दिस इज ई। ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस लेंथ इज 1 मीटर। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना, हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है तीनों वेक्टर का। तो रिजल्टेंट मतलब वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर डी ई, हमें इन ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, हम पहले तो तीनों वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में, तीनों वेक्टर का कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ओके, लाइक आपका ओ ए का कंपोनेंट क्या है, बी सी का कंपोनेंट क्या है, डी ई का कंपोनेंट क्या है, ये सारे के सारे कंपोनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। चलो तो देखो ओ ए का कंपोनेंट क्या होगा, ओ ए का कंपोनेंट भैया यही होगा, ये वाला यह लेंथ। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर,
या ये वाला लेंथ क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री, आई होप आप लगाते होगे, ट्रिग्नोमेट्री आते होगे, और मैं लिखूं दिस लेंथ इज 2 cos 30 degree, कोई इशू नहीं होगा। ओके, लेट अस अज्यूम दिस लेंथ इज x, तो भाई x व्हाट कैन आई टेक, cos 30 डिग्री x by 2, सो व्हाट इज द x, 2 cos 30 degree। ओके, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें 2 cos 30 degree लिखने में। सिमिलरली यह लेंथ क्या होगा, दिस ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली 2 sin 30 degree। ओके, यह क्या होगा 2 sin 30 degree, तो यह क्या हो जाएगा, देखो ओ ए क्या हो जाएगा, 2 cos 30 degree क्या होगा, 2 cos 30 degree √3/2 प्लस 2 sin 30 degree 1/2 या आई जे, यही होगा ना भाई, डेट विल बी √3i + j। ओके, सिमिलरली अगर मैं इस वेक्टर को लिखूं, वेक्टर बीसी को लिखूं, वेक्टर बीसी तो वेक्टर बीसी किधर होगा भैया, इस डायरेक्शन में। ओके, और ध्यान से देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, व्हाट विल बी दिस एंगल, यह एंगल होगा 180 डिग्री, मतलब यह नेगेटिव वाला डायरेक्शन है। ओके, दिस इज बेसिकली नेगेटिव वन। ओके, तो बीसी को व्हाट कैन आई राइट हियर, हमें ये इस लेंथ को लिख देते हैं, तो यह लेंथ, ये वाला लेंथ क्या होगा भाई, 1.5 cos 60 degree। ओके, दिस मींस 3/2 × 1/2, दैट इज 3/4। ओके, और यह नेगेटिव है, तो व्हाट कैन आई राइट हियर विथ फुल कॉन्फिडेंस, बीसी इज इक्वल टू माइनस, समझ रहे हो, यह वेक्टर देखो ये इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, इसके साथ 180 डिग्री, मतलब नेगेटिव है, -3/4 बीसी, और ये वाला लेंथ क्या होगा भाई, 1.5 sin 60 डिग्री। ओके, दिस मींस प्लस √3/4 j। ओके, और वेक्टर, अब मैं क्या लिखता हूं, वेक्टर डी की, वेक्टर डी तो पूरा का पूरा इधर है, दिस मींस 0i - j। ओके, तो गाइस मैं क्या करता हूं, तीनों को ऐड कर दूं, कैन आई ऐड, सो ओ ए प्लस बी सी प्लस डी, ओ ए प्लस बी सी प्लस डी, यह क्या होगा, ये जो होगा यह क्या होगा भाई, तो आई के साथ आई को ऐड कर दे, तो √3 - 3/4 i। ओके, और ये क्या होगा, देखो प्लस जे, जे में क्या आएगा, 1 - 1 + √3/4 j, तो यह 1 1 कैंसिल, व्हाट आई गेट हियर, √3 - 3/4 i प्लस √3/4 j। ओके, तो गाइस अब हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ओके, तो एक काम करते हैं, √3 मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ओके, यही आएगा भाई, आई डोंट थिंक कि आपको कोई इसमें इशू होगा इसको इस तरीके से लिखने में। सो गाइज अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, इसका हमें इसका ये लेंथ फाइंड करना है ना, अगर मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं तो वेक्टर कुछ इसी तरीके से आएगा,
कुछ इस तरीके से आएगा, ओके या पॉजिटिव साइन में होगा और यहां पे ये वन होगा, तो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से होगा ये। हमें क्या करना है, हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, ओके तो एक काम करते हैं यार, इसको ना इसका क्या करें, निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर ही कर लेते हैं, ओके। कैलकुलेटर है हमारे पास, मैं भी कैलकुलेट करने वाला हूं। फोर माइनस रूट थ्री, रूट थ्री माइनस थ्री बाई फोर, कुछ गड़बड़ है क्या, ये वाला एंगल तो सही है, ये रूट थ्री आएगा, क्या वन आएगा, थ्री वन हाँ फोर सही है, टू ये क्या होगा वन बाई फाइव, कॉस 60 डिग्री सही है, ये थ्री बाई फोर लगा देगा 1.5 साइन 60 डिग्री, एक चीज देखो यार, ये वाला चीज नोटिस करने वाला है, इसकी जो वैल्यू होगी ना यह होगी थ्री, यहां पर थ्री आएगा, ओके हियर विल बी थ्री। एक्चुअली मैं वही सोच रहा, गड़बड़ कहां हो रहा है भाई, समझ, यहां पर क्या आएगा, यहां पर थ्री आएगा, तो इस जगह पर थ्री आएगा, इस जगह पर थ्री आएगा, ओके अब इसको सॉल्व करते हैं, समझ रहे हो, अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली मेरी जो वैल्यू आ रही थी यहां पर थ्री को न होने की वजह से 1.07 आ रही, ओके और जो बिल्कुल गलत थी एक्चुअली जब मैं कैलकुलेट कर रहा था, तो यहां पर क्या होगा थ्री, अब इसको सॉल्व करते हैं, ओके अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे व्हाट यू गेट हियर, रूट थ्री माइनस थ्री बाई फोर, तो गाइस इसकी जो वैल्यू आएगी, इस वाले की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.98, ओके टू, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली वन कर सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू देखते हैं, थ्री रूट थ्री थ्री इंटू
3 into root 3 by 4। तो और इसकी जो वैल्यू आती है ये अप्रोक्सीमेटली 1.29 है, मतलब 1.3 आती है। ओके, अब हम इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं, 1.3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको 1 लिया ना, तो गाइस इसकी जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 1.64। इसकी वैल्यू क्या रही है 1.64। आप देखिए मैं बोला था ना कि वर्मा जी की भी जो वैल्यू है एक्चुअली उन्होंने पूरा अप्रोक्सीमेशन वगैरह लिया होगा इसलिए वर्मा जी 1.6 लिए, बहुत ज्यादा आई थिंक रूट 3 मैक्स प्रो अप्रोक्सीमेशन लिए होंगे, इन सब चीजों में अप्रोक्सीमेशन लिए होंगे। तो वर्मा जी की वैल्यू क्या रही थी 1.6 आ रही थी और हमारी वैल्यू जो आ रही थी जो ज्योमेट्रिक वगैरह से हमने की थी बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन लिए थे तो हमारी वैल्यू 1.65 आ रही थी। अब हम यहां पर एग्जैक्ट जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1.64। ओके, यह भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है बट ठीक है, इट्स नॉट बैड। एक मिनट रुको, मैं एग्जैक्टली लिख कर निकल लेता हूं, रूट 3 माइनस 3/4। तो देखो हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 1.628, तो 1.63 आ रही है एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डाटा ही इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक ना, इसमें अप्रोक्सीमेशन की वजह से जो वैल्यू में थोड़ा बहुत वेरिएशन है। ओके, अब वर्मा जी ने इसको क्या 1.63 आया होगा उसको क्या कर दिया 1.6 लिख दिए। ओके, और हमने क्या किया था कि हम जब ज्योमेट्री वाले से कर रहे थे तो एंगल को सब एक्स्ट्रा ले रहे थे। ओके, एंगल को एक्स्ट्रा ले रहे थे, 52 जो 3/4 आता है वो 52.8 समथिंग आता है तो उसको हमने 53 ले लिया था, इस वजह से चीजों को ऐसा हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ज्योमेट्री की मदद से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और प्लस वेक्टर की मदद से कंपोनेंट निकाल करके। तो देखो ये जो वेक्टर है यहां पर इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है रूट 3/4 4 माइनस रूट 3। ओके, यहां मैं बोलू सिंपल बोले तो दिस इज आवर एक्स कंपोनेंट और व्हाट इज आवर वाई कंपोनेंट, दिस वन, यह हमारा x कंपोनेंट है या y कंपोनेंट। देखो x कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, रूट 3 माइनस 3/4 तो ये जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 0.98 और इसी को वर्मा जी ने 1 लिख दिया है। इसको वर्मा जी ने क्या लिखा है 1, देख लो एक बार 0.9, ठीक है, वर्मा जी ने इसको क्या लिखा है भाई 0.98 लिख दिया, हमने इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख दिया। ओके, तो यह अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए, इस वाले की वैल्यू को अगर कैलकुलेट किया जाए तो 3 रूट 3 बाई 4 तो इसकी वैल्यू क्या रही है 1.29। तो देखते हैं, ये तो हमने अप्रोक्सीमेटली 1.3 लिया था, वर्मा जी क्या लिए हैं 1.3 है। ओके, तो कहीं देखो हमने x कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट क्या होगा, सारे के सारे चीजें निकाल लिए हैं दोनों ही मदद से, ज्योमेट्री की मदद से भी प्लस कंपोनेंट की मदद से। ओके, तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ओके, आपकी जो जर्नी है गाइस वो बेसिकली IIT वगैरह में जाना है, ओके, नीट में जाना है, तो यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स। अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं और मैं उससे पहले इस बोर्ड को थोड़ा क्लीन करते हैं, क्लीन कर लेता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
two vector have magnitude 3 unit and 4 unit respectively, what should be the angle between them if the magnitude of the resultant vector is 1 unit, 5 unit and 7 unit respectively. Okay, चलो तो पहला क्या है कि एंगल बिटवीन, देखो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और इसका ये जो लेंथ है दिस इज 3 यूनिट. ओके, दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर बी है. चलो लेट अस अज्यूम दिस इज द वेक्टर बी और इसका लेंथ है 4 यूनिट. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एंगल क्या होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड है व्हाट शुड बी द एंगल, या एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इफ वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 यूनिट. ओके, दूसरा क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 यूनिट. एंड थर्ड क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 यूनिट. ओके चलो, तो एक चीज देखो गाइस, ए और बी के बीच का एंगल क्या होना चाहिए अगर इनका मैग्नीट्यूड जो है 1 यूनिट है. ओके, आप ध्यान से देखो गाइस, अगर आपको वेक्टर की ज्योमेट्री के बारे में पता होगी वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, तो मान लो ये एक वेक्टर है, दिस इज आवर वेक्टर ए. ओके, ये जो है हमारा वेक्टर ए है और इसका लेंथ है 3 यूनिट. इसका लेंथ क्या है 3 यूनिट. और अब हमें क्या करना है, अब हम इसके हेड पे एक 4 यूनिट का वेक्टर ड्रॉ करते हैं. इसके हेड पे एक 4 यूनिट का क्या करते हैं, वेक्टर ड्रॉ करते हैं. ओके, 4 यूनिट का वेक्टर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं. और देखो, और उसके बाद फिर हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं. तो अब ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ है, दिस इज द 1 यूनिट और यह क्या है 3 यूनिट, यह क्या है 4 यूनिट. अच्छा एक चीज मुझे बताओ, 10th पास किए हो सभी लोग, आप जब 10th पास किए होंगे गाइस तो उसमें 9th-10th में ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं. अब ट्रायंगल की कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टी की बात की जाती है, वो क्या प्रॉपर्टी है, ये मान लो ये ए है, ये बी है, सी है. ओके, तो लोग क्या बोलते हैं, मान लो ये इसका लेंथ ये ए है, इसका लेंथ बी है, इसका ये लेंथ सी है, लोग क्या बोलते हैं, सी इज ऑलवेज लेस देन ए प्लस बी. यही होता है ना भाई ट्रायंगल की इनइक्वालिटी. अगर कोई ट्रायंगल फॉर्म होता है, कोई एक्चुअल ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो भाई दिस इज गोइंग टू हैपन. यहां पर देखो, यहां पर क्या है, 1 + 3 = 4 है, इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा. इसका क्या मतलब है, दिस इज नॉट गोइंग टू फॉर्म अ ट्रायंगल. अगर ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो लेंथ है यह कहीं यहां पर आएगा, यहां पर. ओके, और मोर प्रिसाइजली बोलूं तो ये बेसिकली किधर आएगा, या 3 यूनिट है ना ये लेंथ, तो कहीं यहां पर आएगा, इस जगह पे कहीं ये यहां पर आएगा. ये कुछ हमारा एक्चुअल में देखा जाए, ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला, वो कहीं यहां पर कॉइंसाइड करेगा और हमारा जो इस टाइप से वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर, समझ रहे हो, ये जो ये 3 यूनिट है, जो 4 यूनिट का जो वेक्टर कहीं यहां पर आएगा, इनके बीच का ये वाला जो एंगल है, यह एंगल 0 होगा, समझ रहे हो. ओके, आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे. तो ये वाला एंगल क्या होगा, 0 होगा. ओके, तो व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन, तो देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है, ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज 0 बिकॉज ये इनइक्वालिटी क्या हो रही है, दिस इनइक्वालिटी फॉलो नहीं हो रही, नॉट फॉलोइंग, वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी है,
इसका मतलब क्या है कि ये एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, दिस एंगल शुड बी 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री होगा तो ये एंगल क्या होना चाहिए, बात समझ रहे? दिस दिस इज आवर, ये क्या है, यह है वेक्टर बी और नीचे वाला क्या हमारा वेक्टर ए है। सो व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, 180 डिग्री, तब जाके मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 यूनिट होगा। तो आप इस चीज को ट्रायंगल इनइक्वालिटी की मदद से भी समझ सकते हो। अदरवाइज आप क्या है भाई, दो अपोजिट मान लो, इधर इधर का एक कोई इधर कोई डिस्प्लेसमेंट की अगर बात के तरीके समझना चाहो तो इधर आप गए 3 यूनिट, उसके बाद फिर आप रिटर्न हो गए 4 यूनिट। ओके, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 यूनिट का और व्हाट शुड बी द एंगल हियर, 180 डिग्री। ओके, तो आप ट्रायंगल की मदद से भी समझ सकते हो इस चीज को, और दूसरा किससे समझ सकते हो भाई, जो मैं डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेकर के, ओके, किसान का एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेकर के आप इस चीज को समझ सकते हो। चलो अब इसका हम पार्ट, ये वाला पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी, मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलो भाई, तो देखो हमारा वेक्टर ए इधर, ओके, 3 यूनिट, वेक्टर बी जो है वो कुछ इधर होगा ऐसे, लेटर से ये है वेक्टर बी, 4 यूनिट, ओके, और वेक्टर जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो ये है कुछ इस तरीके से, 5। अच्छा एक चीज देखो, ये चेक कर लेते हैं, क्या ये जो ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं, बात समझ लो, क्या ये ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखो एक तरीका आपके पास हमेशा है, फार्मूला वाला तरीका, कि r इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मॉड a मॉड b cos थीटा। यह जो है ये फॉर्मूला वाला तरीका हमेशा रहता है आपके पास, ओके, जो फॉर्मूला तरीका है ये हमेशा रहता है आपके पास। आप चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, खैर कोई जरूरत नहीं है इसका यूज करने, ओके, हम ज्योमेट्रिक मदद से सिंपल क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मदद से समझने की कोशिश करते हैं। चलो अब अगेन देखो, तो ये 3 है, ये 5 है, एक बार चेक करते हैं क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है कि नहीं। तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यह क्या होगा भाई, यह होगा आपका 5। ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहां पर, यह पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, यह किसको फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को, ओके। इसका मतलब क्या है, अब कोई भी ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है तो पक्का क्या होता है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। गाइस आप क्लास 10 में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़े होंगे, ओके, तो यह पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, जिसका इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो एंगल है, दिस एंगल, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ओके। तो देखो थीटा, पहले केस में थीटा 180 डिग्री, सेकेंड इस केस में जो थीटा है 90 डिग्री, ओके। अब इसके केस में देखते हैं, इस केस में हम क्या यूज करें, अगेन इनिशियल हेड टू फाइनल टेल करते हैं, ओके, ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम के प्रॉपर्टी यूज कर। देखो मेरा कहने का मतलब है गाइस, अगर आप वेक्टर को पहली बार सुने होंगे ना, आपको बेबी डर जाएंगे, वेक्टर क्या होता है, बहुत टफ चैप्टर टॉपिक होगा। बट मैं बोलता हूं, अगर आपको ज्योमेट्री आती है क्लास 9th क्लास 10th की, वेक्टर इज नथिंग फॉर यू, ओके, यूज योर ज्योमेट्री, जो आप पढ़े हो क्लास 9th में क्लास 10th में, उसका फुल यूटिलाइजेशन करो, मजे से, मजा आएगा वेक्टर को सॉल्व करने में, ओके। चलो तो मैं एक बार इस बोर्ड को क्लीन करता हूं, फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। और आपके लिए ये फॉर्मूला हमेशा अवेलेबल है, मन करे यूज कर लेना। चलो
अब क्या है, अगेन वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, ओके, इन दोनों का रिजल्ट है, या है 3 यूनिट, दिस इज 4 यूनिट, इन दोनों का रिजल्ट है, यस 7 यूनिट। अगेन गाइस ध्यान रखो, ये जो है अब यहां वेक्टर की जो ट्राइंगल की जो इनइक्वालिटी है वो फॉलो नहीं हो रही है। ये क्या है कि जो 7 है दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4, इसका मतलब ये ट्राइंगल बनेगा नहीं। ये जो तीनों, ये जो दोनों वेक्टर हैं, यह क्या है, लीनियर है, यह ट्राइंगल नहीं बनने वाला है। ओके, ट्राइंगल नहीं बनने वाला, इसका मतलब क्या है कि भाई देखो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया 3 यूनिट का, इसके बाद यह दूसरा वेक्टर हो गया 4 यूनिट का। ओके, अब जो रिजल्टेंट जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, दिस 7 यूनिट, क्या होगा ये 7 यूनिट, या ट्राइंगल की इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं कर रहा, दैट मींस या इनके बीच दिस इज गोइंग टू हैपन हियर। ओके, तो इस केस में देखो, पहले के लिए थीटा 180 डिग्री, दूसरे के लिए थीटा क्या 180 डिग्री, इस केस में थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री, एंगल क्या है भाई इनके बीच में 0। ओके, देखो वेक्टर ए, ये जो वेक्टर है इसका इसी डायरेक्शन में है, वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम 0। ओके, तो यहां पर एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है। देखो तो वर्मा जी, ए का आंसर 180 डिग्री, बी का आंसर 90 डिग्री, सी का आंसर 0 डिग्री, तो हमारा आंसर और वर्मा जी का आंसर मैच कर रहा है। गाइस आज के लिए इतना ही, और कल के वीडियो लेक्चर में हम 7, 8, 9 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।